टीवीएफ का जितना भी मैंने कोई कंटेंट देखा है वो सच कहूं अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है कि जिससे मैं कहूं यार ये खराब है वो अच्छा ही मेरे लिए रहा है एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि भाई उसके अंदर यानी टी जो चीजें लेके आता है उसके अंदर रियल लाइफ काफी ज्यादा कनेक्ट करी जाती है और इससे हम कनेक्ट हो पाते हैं क्योंकि हमारी ही लाइफ को एक मिडल लाइफ जो पर्सन होता है उसकी लाइफ को वो जॉब कैसे कर रहा है या स्टूडेंट है वो कैसे पढ़ाई कर रहा है उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आती है ये बहुत बेसिक से वो चीजें दिखाते हैं और वो कहीं ना कहीं हमने अपनी लाइफ में वो चीजें की हुई होती हैं जिससे इन सीरीज से ये जो ये टीवी दिखाता है उससे हम कनेक्ट हो पाते हैं तो आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्यूबिकल्स वेब सीरीज के बारे में इसके सेकंड सीजन के बारे में इसका सेकंड सीजन सोनी लिव के ऊपर रिलीज किया गया है फर्स्ट सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो टीवीएफ के ही यूट्यूब चैनल पर जाकर काफी टाइम पहले रिलीज किया गया था और जब इसका सेकंड सीजन का ट्रेलर रिलीज किया गया तो काफी ज्यादा खुशी हुई मुझे कि यार हा इसके बारे में और जानने को मिलेगा देखने को मिलेगा और मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था ट्रेलर टोटल इसके अंदर सेकेंड सीजन के अंदर पांच एपिसोड है हर एपिसोड जो तकरीबन है वो पच्चीस एक मिनट के आसपास है और सेम जो है वो आप जब यूट्यूब पे फर्स्ट सीजन देखेंगे उसके अंदर भी पांच ही एपिसोड है वो भी पच्चीस

हमने चीजों को अपने अनुसार ढाल लिया या हम उन चीजों के अनुसार ढल गए हैं तो ये जो चीजें दिखाई जाती हैं कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर जब जॉब करता है कोई इंसान उसके उससे तो मतलब लगता है कि यार वो इस सीरीज से काफी अच्छे से कनेक्ट हो पाएगा देखिए क्यूबिकल्स जैसे इसका नाम है सीरीज का एक एरिया होता है क्यूबिकल के टाइप में ही मतलब कि वहां पर लोग बैठ के एक जो मतलब एक कैबिन सा कहते हैं कैबिन तो एक अलग शब्द हो जाता है लेकिन क्यूबिकल्स छोटा सा एक मतलब सर्कल सर्कल तो एक स्क्वायर समझो उसको उसके अंदर ही बैठ के जो वो लोग वो काम कर रहे होते हैं तो वो अपने ही साथ के साथ कलीग के साथ दोस्ती करता है उन्हीं के साथ साथ कंपटीशन भी हो रहा होता है तो ये सारी चीजें इस सीरीज के अंदर दिखाई गई है तो एक कंपनी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने इंप्लॉय को मतलब ज्यादा उससे काम लेती है कम उसको बेनिफिट देती है या कभी कभी उसको बेनिफिट भी दे देती है जिससे वो खुश हो जाता है तो ये थोड़ा मतलब ये जो बैलेंस चलता रहता है ये जो चीजें इस सीरीज के अंदर दिखाई गई वो देख काफी अच्छा लगता है हाँ कभी कभी जैसे लगता है कि यार बस बहुत हो गया अब इसको चीजें को छोड़ देते हैं लेकिन कॉम्प्रोमाइज करना सीख जाते हैं लेकिन देखिए लाइफ का दूसरा नाम ही कॉम्प्रोमाइज है हमारे अकॉर्डिंग चीजें हों ऐसा नहीं हो सकता हमें उन चीजों के अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है तभी लाइफ स्मूथ चलती है और ये जो बातें इसके अंदर दिखाई जाती है ना देखकर एक काफी ज्यादा खुशी मिलती है धीरे धीरे हमें वो चीजें मतलब कि एडजस्ट होना पड़ता है और हमें अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ाना पड़ता है और एक टाइम आता है कि वो चीजें हमें आसान लगने लग जाती हैं हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं बहुत अच्छी मुझे ये चीजें लगी इसके अंदर एक शोशंग रिडक्शन की जो मूवी है उसका जैसे उदाहरण दिया जाता है जब एक इंसान की जॉब जाती है तो वो उसके फेस पे जैसे उदासी है जो कंपनी उसको बाय बाय जो उसकी कलीग उसको कहते हैं कि भैया फेयरवेल पार्टी है आपको एक अलविदा कहने के लिए जो पार्टी दी जाती है तो वहां पर वो शोशंग रिडक्शन मूवी का उदाहरण देते हैं कि हर टाइम जो है वो थोड़ा सा मतलब दो दो इंच खोदते चलो और एक टाइम आएगा कि जब वो टनल के अंदर जैसे आप खोद रहे हो आपके सामने एक दिन रोशनी नजर आएगी लेकिन वो एकदम से नहीं आएगी टाइम लगेगा उसके अकॉर्डिंग और उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कभी कभी मन करेगा कि यार यहां से भाग जाऊं ये एक जेल लगेगी लेकिन ये सहना पड़ेगा आप गिव अप नहीं कर सकते आप हार नहीं मान सकते तो ये सारी चीजें इस सीरीज में है अब आप पूछोगे यार आपने तो स्टोरी बताई नहीं तो स्टोरी यही है एक इंप्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रिलेशन दिखाया जाता है खट्टा मीठा और यहां पर जो एक एम्प्लॉय आता है पीयूष करके एक जो नया एम्प्लॉई है स्टार्टिंग फर्स्ट सीजन से दिखाया जाता है कि एक नया एम्प्लॉय तो उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके साथ जो दोस्त बनते हैं कैसे उसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज करता है उनके साथ कैसे वो ढलता है वो रूममेट बनते हैं तो उनके बीच में जो नोक झोंक प्यारी सी नोक झोंक है या फिर जो कोई उस कंपनी में जो इंप्लॉई है जो उसका क्रेडिट मारने के लिए बैठा है कोई ऐसा इंप्लॉई है जो उससे बहुत ज्यादा जलता है कैसे उसकी सैलरी को कट करवाया जाए इवन मुझे देखकर काफी अच्छा लगा कि कंपनी के अंदर एक ऐसा बंदा रखा जाता है कि जो सिर्फ और सिर्फ ये देखे कि कौन सा इंसान फालतू का काम कर रहा है उसकी सैलरी कट करवाई जाए <laughs> तो सब लोग उसे चिढ़ रहे होते हैं और उसको वो काम करने में काफी मजा आता है तो ये चीजें देखकर काफी मतलब खुशी होती है देखकर अच्छा लगता है एक एंटरटेनमेंट मिलता है इस सीरीज को देख तो ये जो सीरीज है वाकई में अच्छी है लेकिन ये ज्यादातर आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ like में या फिर कहेंगे कहीं ना कहीं आप जॉब करते हैं इस तरीके की तो इससे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे क्योंकि वो चीजें आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं घटी हुई मिलेंगी और आपको लगेगा यार ये चीज तो मेरे साथ हुई है मेरा क्रेडिट किसी ने मारा है तो ये चीज में कहूंगा कि आप लोगों को जरूर ये सीरीज देखनी चाहिए मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा एट आउट ऑफ टेन अगर आप लोगों ने ये सीरीज देखी तो प्लीज कॉमेंट करना कि कैसे लगी अगर नहीं देखें तो वेट की चीज का कर जाके करो हाँ थोड़ी बहुत शायद आपको पसंद नहीं आ सकती क्योंकि इसके अंदर जैसे कुछ टर्म्स जैसे दिखाई जाती है कि इंप्लॉयर की लाइफ में क्या क्या उसकी लाइफ से मतलब जो कंपनी कट कर रही है उसको से फायदा हो रहा है ये जो चीजें हैं शायद थोड़ा बहुत वो टर्म समझने में दिक्कत हो जाए कॉरपोरेट से हो तो शायद आसान भी रहेगी तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो में जय हिंद